Welcome to the Earthen Pots by O. N. V. Kurup. Part 1. Kavita Earthen Pots, जिसके कवि O. N. V. Kurup हैं, के पहले भाग में आपका स्वागत है. In the first part, we shall discuss lines 1 to 15. पहले भाग में हम प्रारंभ की 15 पंक्तियों का पर चर्चा करेंगे. Let's see the original text of the poem. How long have we remained here thus? Two empty earthen pots, gazing at each other, close by in the potter's yard. So close that softly brushing against each other, and not quite sure whether touching or not. Gazing at each other in inexhaustible zest, we two earthen pots, those who from golden goblets drink red wine, may dismiss us in contempt and extreme scorn, for we are made for the poor simple folk. We are cheap and may easily break. True, yet we are good enough to store the blessed gift of earth, water clear and pure, within our hold unpolluted, though we are mere earthen pots. अभी हमने मूल पंक्तियां 1 से 15 तक देखी हैं. Let us see the explanation of these lines. The poem Earthen Pots is based on the idea that the pots described in the poem lack identity and significant value. The poem Earthen Pots has the idea of the lack of identity. Everything, every living or non-living thing has an identity or a significant value. And here, the point of missing identity has been discussed through the concept of the earthen pots. कोई भी व्यक्ति या वस्तु अपनी एक identity या अस्तित्व प्राप्त करती है. यहां इस कविता अर्दन पॉट्स में कवि ओ एन वी कुरुप ने पॉट्स के माध्यम से, मटके के माध्यम से या पात्र के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जब आइडेंटिटी या अस्तित्व नहीं होता है या किसी भी चीज की जो मूल्य होना चाहिए वो मूल्य यदि नहीं होता है तो उसकी स्थिति क्या होती है. दिस इज बिकॉज देर आर मेनी पॉट्स हीप्ड अप वन अपॉन द अदर. इन द पोएम द डिस्क्रिप्शन विच इज गिवन इज दैट मेनी पॉट्स आर केप्ट वन अपॉन द अदर. कविता में जो विवरण हमें मिलता है वो ये है कि कई पात्र या कई मटके हैं, घड़े हैं, जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं या चिने हुए हैं.
द पोएट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज इन द पोएम स्पीक्स टू द थीम ऑफ लैक ऑफ आइडेंटिटी और अ सर्च फॉर आइडेंटिटी. द पॉट्स आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. द पोएट्स चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज इन द पोएम स्पीक्स ऑफ द थीम ऑफ लैक ऑफ आइडेंटिटी. हियर द चॉइस ऑफ वर्ड्स दैट द पोएट हैज मेड सिग्निफाइज दैट ही इज वेरी क्लियर अबाउट टॉकिंग ऑन द आइडिया ऑफ द मिसिंग आइडेंटिटी. यहां कवि ने शब्दों का चयन इस प्रकार किया है कि यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का, यहां वो वस्तु पात्र है, घड़ा है, मटका है, जब अस्तित्व नहीं होता है तो किस तरह का भाव उत्पन्न होता है. और अ सर्च फॉर आइडेंटिटी, और व्हेन समबडी और समथिंग इज सर्चिंग फॉर एन आइडेंटिटी, या जब कोई चीज अपनी आइडेंटिटी या अपने अस्तित्व को खोजता है, तलाशता है, तब क्या स्थिति होती है. द पॉट्स आर द स्पोक्स पर्सन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. हियर द स्पोक्स पर्सन इज द पॉट. यहां कवि ने मटके के मुंह से, घड़े के मुंह से या पात्र के मुंह से ये भाव व्यक्त किया है कि अस्तित्व का न होना, अस्तित्वहीनता की स्थिति क्या होती है और अस्तित्व की खोज क्या होती है. द पोएट हैज यूज्ड क्लियर वर्ड्स टू आइडेंटिफाई द पॉट्स सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड नॉलेज. द सर्च फॉर आइडेंटिटी एंड नॉलेज हैज बीन क्लियरली वॉइस्ड थ्रू द वर्ड्स ऑफ द पोएट. यहां कविता में आइडेंटिटी या अस्तित्व की खोज, ज्ञान की तलाश या आभास की तलाश, ज्ञान का अर्थ यहां पर है अपने अस्तित्व के ज्ञान की तलाश, अपने अस्तित्व के ज्ञान की खोज, जो यहां इस पात्र के, घड़े के, मटके के माध्यम से दिखाई गई है, उसके लिए शब्दों का चयन भी बिल्कुल अनुकूल किया गया है. दीज वर्ड्स आर एम्प्टी, नॉट क्वाइट श्योर, इन एग्जॉस्टेबल, डिसमिस अस, सिंपली चीप, hundreds like us, woe, loss and depart. Here the words chosen in the poem explain or clearly signify the loss of identity, the missing identity or the search or the quest for identity. The words used here are empty. यहां जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो इतने स्पष्ट हैं कि अस्तित्व की खोज या अस्तित्व की तलाश बहुत क्लियरली इसमें दिखाई देती है. जैसे शब्द एम्प्टी, रिक्त, रिक्तता जहां होती है वहां उस रिक्तता को भरने का आभास उस शब्द के साथ ही जुड़ा होता है. नॉट क्वाइट श्योर, अ सिचुएशन ऑफ इनसिक्योरिटी, the situation of being unsure about one's own identity. This is also very challenging and very very painful. जब किसी को अपने अस्तित्व का या अपने होने का ही बहुत विश्वास के साथ पता नहीं होता है, या उसको अपने अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ दिखाई देता है, तो वो insecurity, वो असुरक्षा क्या होती है, वो यहाँ पर दर्शाई गई है. Not quite sure जैसे शब्द का प्रयोग करके. Inexhaustible dismiss us, and the words like inexhaustible and dismiss us, यहां ऐसे शब्दों का प्रयोग करके inexhaustible, dismiss us, the concept of rejection, the concept of incompleteness, the concept of not being in existence, this is very painful and the expression is very clear.
यहाँ पर रिजेक्ट होना, डिसमिस होना, इनएग्जॉस्टिबल होना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके उस दर्द को या उस पीड़ा को बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। सिंपली, सिंपली मीन्स जस्ट इनसिग्निफिकेंट, वेरी इनसिग्निफिकेंटली वी आर बीइंग ट्रीटेड। देन चीपली, चीप, यहाँ सिंपली चीप, इस तरह के शब्दों से भी ये बताया गया है कि अस्तित्वहीनता कितनी अधिक है मटके की। हंड्रेड्स लाइक अस, दैट इज वी आर इन मल्टीट्यूड्स, सो वी डू नॉट कैरी एनी वैल्यू एट ऑल। हम जैसे यहां पर सैकड़ों पड़े हैं, अर्थात हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा कोई मोल नहीं है। वो पेन, पीड़ा, लॉस एंड डिपार्ट, लॉस किसी चीज का खात्मा होना या किसी चीज का ना होना, और डिपार्ट बिछड़ना, बिछड़ने की वेदना, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके ओ एन वी कुरूप ने जिस आइडेंटिटी की खोज को या मिसिंग आइडेंटिटी को बताया है वो बहुत क्लियर दिखाई देता है। द स्टोरी ऑफ द पॉट्स हैज बीन नैरेटेड विद इन द लाइन्स ऑफ द पोएम, एंड विद इन द लाइन्स ऑफ द पोएम अ होल स्टोरी हैज बीन नैरेटेड। इट इज, इट लुक्स लाइक अ पोएम बट इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ पॉट। यहां ये कविता जो हमें, छोटी सी कविता जो हमें दिखाई देती है, ये इस छोटी सी कविता में ऐसा लगता है जैसे कि एक पॉट ने अपनी पूरी ऑटोबायोग्राफी कह दी है या अपनी पूरी आत्मकथा कह दी है। इट रिफ्लेक्ट्स द फियर्स, एंग्जाइटीज, एप्रिहेंशंस एंड सेल्फ डाउट द पॉट्स फील व्हाइल लाइंग इन अ हीप। द पॉट्स आर लाइंग इन अ हीप वन अपॉन द अदर, एंड व्हेन दे आर लाइंग इन अ हीप दे सफर फ्रॉम फियर, एंग्जाइटी, वरी, एप्रिहेंशन, डाउट एंड सेल्फ डाउट, डाउट ऑन वंस ओन एग्जिस्टेंस। सो दिस इज क्लियरली इंडिकेटेड बाय द वॉइस ऑफ द पॉट्स। यहां मटकों का एक के ऊपर एक रखा होना, एक ढेर में रखा होना, और उस समय मटकों के माध्यम से जो भाव दिखाए गए हैं वहां उस भाव में डर है, चिंता है, संशय है, और मटकों को खुद के ऊपर भी संशय हो रहा है, ऐसा भाव दर्शाया गया है। दे वेट टू बी चोजन टू बी यूज बाय मेन, एंड वॉट इज द सिचुएशन, द पॉट्स दे वेट टू बी चोजन बाय मेन टू बी यूज। मटके इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षारत हैं कि कोई मनुष्य आए, कोई भला मानुष आए और हमें यहां से उठा करके ले जाए और हमारा प्रयोग करे। नॉट फीलिंग एनी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, द पॉट्स सीम टू फील द लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी, एंड द पॉट्स दे लैक इंडिविजुअलिटी बिकॉज वन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर, दे आर सो सिमिलर दैट नो पॉट फील्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर पॉट बिसाइड विच इट इज लाइंड। यहां जितने मटके हैं वो सब एक जैसे हैं, और इनका एक जैसा होना इनके अस्तित्व की व्यक्तिगतता को खत्म करता है, और एक पॉट को अपने पड़ोस वाले पॉट या अपने बगल में रखे हुए पॉट से अपने अंदर कोई भिन्नता स्वयं पॉट को ही नजर नहीं आती है। दे कंपेयर देयर स्टेट ऑफ बीइंग विदाउट यूनिकनेस to the state of being with a well-defined identity. Now here the pots, they are comparing, and they are comparing about their state of being without uniqueness. The pots, they are discussing as if they have been personified here, and the pots, they are discussing that we don't have any uniqueness because we are all the same. यहाँ pots discuss कर रहे हैं, इनका मानवीकरण करके इनको बोलता हुआ बताया गया है। ये कहते हैं कि हमारे अंदर कोई यूनिकनेस नहीं है, हमारे अंदर कोई विशेषता नहीं है, और उस विशेषता के नहीं होने के कारण ही हमारे अंदर इंडिविजुअलिटी या व्यक्तिगतता दिखाई नहीं देती है। और एक तरफ हमारा इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस का न होना,
और दूसरी तरफ हमारी इच्छा क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग विद अ वेल डिफाइंड आइडेंटिटी. अनदर एस्पेक्ट विच वी थिंक ऑफ, ड्रीम ऑफ और एक्सपेक्ट टू बी कम इन फ्यूचर इज दैट वी विल बी विद अ वेल डिफाइंड आइडेंटिटी. दूसरी ओर हमारी आंखों में एक स्वप्न है और या हमारी एक महत्वाकांक्षा है कि हमारी अपनी एक आइडेंटिटी हो और वो आइडेंटिटी भी वेल डिफाइंड हो, बहुत स्पष्ट अस्तित्व हमारा हो. तो अस्तित्वहीन था और स्पष्ट अस्तित्व के होने के बीच का जो अंतर है वो मटकों की इस चर्चा के माध्यम से दर्शाया गया है. द पॉट्स ऑल्सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देमसेल्व्स एंड द गोल्डन गॉबलेट्स विच आर यूज फॉर ड्रिंकिंग वाइन. अनदर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट दैट द पोएट ओ एन वी कुरुप हैज टेकन अप हियर इज ही हैज मेंशनड द गोल्डन गॉबलेट्स विच आर यूज फॉर ड्रिंकिंग वाइन. वाइन इज सर्व्ड इन वेरी ब्यूटिफुल गॉबलेट्स कंटेनर्स और वेरी डेकोरेटेड बॉटल्स और गॉबलेट्स आर राउंड स्ट्रक्चर्स. सो हियर ही सेज दैट दोज गॉबलेट्स दोज वेरी ब्यूटिफुली कार्व्ड एंड एम्ब्रॉयडर्ड और डेकोरेटेड दिस टाइप ऑफ गॉबलेट्स आर यूज फॉर सर्विंग रेड वाइन. यहां पर एक बहुत विशेष बात की ओर कवि ने ध्यान आकर्षित किया है कि जब मदिरा परोसी जाती है तो मदिरा परोसी जाती है बहुत सुंदर गॉबलेट में, सुराही में, या जो प्याले होते हैं मदिरा परोसने के वो इतने सुंदर होते हैं, उनमें नक्काशी होती है, उनमें बहुत सुंदर तरीके से सजावट की हुई होती है क्योंकि उसमें मदिरा परोसी जा रही है. तो एक तरफ ये पॉट्स हैं जो सिंपल हैं, दूसरी तरफ मदिरा परोसने वाली सुराही या कोई पात्र है जो कि बहुत ही सुंदर नक्काशी युक्त है या सजावट युक्त है. द रिच एंड द इलीट पीपल चूज द गोल्डन डेकोरेटेड गॉबलेट्स इंस्टेड ऑफ द अर्दन पॉट्स. एंड द रिच पीपल और द इलीट पीपल दे ऑलवेज चूज द डेकोरेटेड गॉबलेट्स इंस्टेड ऑफ द अर्दन पॉट्स. और जितने भी धनाढ्य लोग हैं, संपन्न लोग हैं, वो अर्दन पॉट्स की जगह, मिट्टी के घड़े की जगह वो डेकोरेटेड गॉबलेट, सुंदर सजावट युक्त गॉबलेट या सुराही या पात्र का चयन करते हैं. द पॉट्स हैव बीन डिसमिस्ड बाय सच मेन हु हैव चोजन द गॉबलेट्स बिकॉज ऑफ देयर कंटेम्प्ट एंड स्कॉर्न फॉर द अर्दन पॉट्स. नाउ दीज रिच पीपल दे हैव कंटेम्प्ट और स्कॉर्न फॉर द अर्दन पॉट्स बिकॉज द अर्दन पॉट्स आर कंसिडर्ड एज नॉट समथिंग विच इज suitable for the rich people. यहां एक बहुत अच्छा संकेत ओएनवी कुरुप ने दिया है कि अर्दन पॉट्स को डिसमिस कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें अलग हटा दिया जाता है या जब चुना जाता है तो उन्हें चयन से ही बाहर कर दिया जाता है, उन्हें नहीं चुना जाता है. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही तिरस्कार के नजर से देखे जाते हैं धनाढ्य लोगों द्वारा, संपन्न लोगों द्वारा. They think them lowly and symbol of poverty. Now these people, they think of these pots as lowly or symbol of poverty. क्योंकि इनकी दृष्टि में मटका या घड़ा छोटे या निचले तबके के लोगों के लिए है. ये प्रतीक है गरीबी का, ये प्रतीक है निर्धनता का. और जो धनवान लोग हैं, धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, वो ऐसे निर्धन लोगों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला मटका उसका प्रयोग थोड़े ही करेंगे. वो सुंदर सुराही नक्काशी वाली या सजावट वाली जिसमें मदिरा परोसी जाए वो उसका चयन करें तो उनके संपन्नता का प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से होता है. द पॉट्स देयरफॉर अंडरस्टैंड द सोशल क्लास स्ट्रक्चर द वर्थलेसनेस एसोसिएटेड विद द बीइंग चीप एंड इजीली ब्रोकन एंड लैक ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी. दिस इज
a very important concept that O.N.V. Kurup has brought through his concept of the earthen pots. He says, the pots therefore understand the social class structure. हमारे समाज का वर्ग भेद इन मटकों के मुंह से जो शब्द बताए गए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वर्ग भेद कितना अधिक है, कि एक ऊंचा एक नीचा, एक अमीर एक गरीब, एक धनवान एक निर्धन। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे समाज में व्याप्त हैं और ये हर चीज में रिफ्लेक्ट होती हैं, हर चीज के चयन में रिफ्लेक्ट होती हैं। द वर्थलेसनेस एसोसिएटेड विद बीइंग चीप एंड इजीली ब्रोकन एंड एनीथिंग दैट इज चीप और हैविंग अ लेसर मनी वैल्यू एंड एनीथिंग दैट इज इजीली ब्रोकन इज कंसिडर्ड वर्थलेस। ऐसी कोई भी चीज जो कि आसानी से टूट जाती है या जिसकी पैसे के परिपेक्ष में देखा जाए तो कीमत कम होती है, ऐसी चीजों को बिल्कुल वर्थलेस या बिना काम के समझा जाता है। एंड द लैक ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी एंड देन द लैक ऑफ इंडिविजुअल आइडेंटिटी वन शुड हैव हिज और हर ओन आइडेंटिटी। व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगतता होनी चाहिए। किसी ऐसी चीज की यदि कोई ऐसी चीज है जिसकी व्यक्तिगतता नहीं है तो वो उतने ही रिक्तता के आभास में रहता है जिस आभास में यहाँ पर हमारे मटके या घड़े या मिट्टी के पात्र महसूस कर रहे हैं। थ्रू अ सिंपल कॉन्सेप्ट अ मच इंटेंस मैसेज हैज बीन कन्वेड बाय द पोएट। सो हियर वी सी दैट द पोएट हैज गिवन अस अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटेंस मैसेज by the use of a very simple example of the earthen pot. यहां पर हम देखते हैं कि कवि ने अर्दन पॉट जैसे छोटे से उदाहरण के माध्यम से एक बहुत ही गहन बात हमें प्रेषित की है। The poem continues in the next part of the discussion that follows. कविता अभी इसके आगे भी है, कृपया अगला वीडियो भी देखें। Kindly see the next video. Thank you. धन्यवाद।